पनीपरिया विक्रेता झील हेले विचारपति निकटे पनीपरिया विक्रेता झील इंदौर रे सिविल जज होती बुधवार दिन 25 वर्षीय अंकिता नगर प्रथमे मां को एक खुशी खबर देते फलाफल प्रिंट आउट सहित अंकिता मां निकटे पहुंची कहले मम्मी मुझे विचारपति अंकिता कहते जे फलाफल एक सप्ताह पूर्व प्रकाश पाई किंतु परिवार रे मृत्यु हेतु समस्ते इंदौर बाहर थिले घरे दुखर वातावरण थिला तेनु एहा विषय रे कहा को कहि नथिली सिविल जज परीक्षा रे अंकिता नगर तांको एससी कोटा रे पंचम पदवी हासिल करिसंती से कहिथिले जे परिवार रो समस्त सदस्य पनी परिवा विक्रय काम करंती बापा सकाळ 5टा रे उठि मंडी जांती ओ मां सकाळ 8टा रे समस्त को पई खाद्य प्रस्तुत करी ठेला को जांती तापरे उभय मिसी पनी परिवा विक्रय करंती बड़ भाई आकाश बालुका बजारे श्रमिक भाबरे काम करंती सान भोणी विवाहित अंकिता दिनको 8 घंटा पाठ पढ़ुथिले संध्या बेले ठेलारे अत्यधिक भिड़ होई गले से पनीपरिया विक्रय करबाकु मध्ये जानती माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे और मैं भी कभी कभी इनके हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी पर क्या इससे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी लॉकडाउन के टाइम पर तो प्रॉब्लम्स थी पर भगवान की कृपा से सब मैनेज होता गया था पर हाँ स्ट्रगल थोड़ा था खाने के लिए भी था तो दाल रोटी खा के भी रह लेते थे हम लोग उसमें हो गया था हमारा बाकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन के बाद क्योंकि वैकेंसी आ गई थी और फॉर्म नहीं भर पा रही थी खुली पढ़ाई के दौरान मैं डॉक्टर बनना चाहती थी पर वो हम तीन भाई बहन थे तो फिर हो नहीं पाया था उसकी फ़ीस थोड़ी है ज़्यादा थी तो और मैनेज नहीं हो पा रहा था तो मम्मी ने कहा था कि बेटा अपन इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दिया था फिर मैंने उसे जे सी तीन वर्ष धरी सिविल जज प्रस्तुत हो 2017 रे से इंदौर रो वैष्णव कॉलेज रे एलएलबी करथिले एहा परे 2021 रे एलएलएम परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले कॉलेज परे से क्रमागत भाबरे सिविल जज प्रस्तुति रे लागी पड़ीथिले शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला ऑनलाइन क्लासेस मिली यूट्यूब से पढ़ाई करी है तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है फिर फलाफल को नहीं निराश हुआ नहीं तांको अभिज्ञता बांटी अंकिता कहिछंती जे फलाफल रो संख्या कम बेसी होई थाए किंतु छात्री छात्र मान को उत्साहित करा जिबा उचित जदि आपण विफल हुंती आपण पुनर्बार चेष्टा करबा उचित भविष्यत रे निश्चित भाबरे भलो फलाफल पाइबे अंकिता आहुरी मध्य कहिछंती जे मो परिवार मो पाठपढा पई बहुत किछ करिछंती जहा वर्णना करबा मो पक्ष रे संभव न अंकिता पिता अशोक नागर कहते अंकिता बहुत परिश्रम करुले आमर आर्थिक अवस्था भल नुहे एभली परिस्थिति रे आमको अंकिता पाठ पढ़ापाई बहुत ऋण करने को पड़ता किंतु पाठ पढ़ा बंद होगा दे नु संघर्ष तो सर कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने करा मेरे घर में और हाँ आर्थिक संकट से भी गुजरे सर बच्चों के काफी किताब से लेके फीस ये वो बहुत कुछ करा मगर सर सब्जी में इतना मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर और हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया हाँ सब्जी बेचने सुबह शाम को एक एक दो दो घंटे के लिए आती थी यहाँ फिर भी हम कहते थे बेटा तेरी इतनी पढ़ाई ऊँची है तू पढ़ाई कर रही है तू भी कोचिंग गई यहाँ से आई वहाँ से आई थोड़ा आराम कर लो तो बोले पापा नहीं अभी आराम करने का टाइम अभी नहीं बाद में अपना जज बन गई मेरी बेटी और उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है अधिक खबर जानवाई देखु था नंदी घोष।